बड़ी खबर बता रहे हैं आपको आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से, जहां एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। दो ट्रेनें आपस में टकरा गई, जिसमें 9 यात्रियों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। अलमांडा कंकटपल्ली के बीच हुआ यह हादसा। आगे जा रही ट्रेन को पीछे से आ रही ट्रेन ने टक्कर मारी, जिस वजह से ये भयानक ट्रेन हादसा हो गया। दोनों ट्रेनों की टक्कर में 5 डिब्बे पटरी से उतर गए और 3 कोच आगे की ट्रेन की और 2 डिब्बे पीछे की ट्रेन से डिरेल हो गए। मानवीय भूल के चलते हादसा हुआ, ये कहना है CPRO विश्वजीत साहू का। पीछे से आ रही ट्रेन ने सिग्नल को ओवरशूट किया। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे कि जो भी व्यक्ति इसमें ट्रैवल कर रहे हों, उनके परिजन उन तक पहुंच सके, उनकी जानकारी जुटा सकें। और ये नंबर है 0674-230-1625, 230-1525, 230-3069। आपको बता देते हैं ये नंबर्स, और साथ ही वॉल्टर डिवीजन के नंबर हैं 0891-288-5914। केंद्र सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया और मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया गया है। घायलों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मामूली चोट लगने वालों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। तो एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। और केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक पैसेंजर ट्रेन दूसरे को टक्कर मार दी, जिससे ट्रेन की 3 बोगी पटरी से उलट गई। कई लोग घायल हो गए और 9 लोगों के मारे जाने की सूचना है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के पास ये पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। विजयनगरम के में राहत और बचाव कार्य जारी है। जानकारी के अनुसार अलमांडा कंटकपल्ली में विशाखा से रायगढ़ जा रही ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। मौके पर अधिकारियों ने पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। और आप देख सकते हैं तस्वीरें क्षतिग्रस्त ट्रेन के डिब्बों की। और आपको बता दें, तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है। एम्बुलेंस को भेज दिया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शीघ्र चिकित्सा दे दी गई, चिकित्सा व्यवस्था का प्रबंध कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें, ये ट्रेन अलमांडा और कंटकपल्ली सेक्शन के बीच पटरी से उतरी और प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने भी इस पर संवेदना व्यक्त की है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। मामूली चोट लगने पर 50,000 रुपये का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है। और मानवीय भूल कारण बताया जा रहा है इस ट्रेन एक्सीडेंट का। पीछे से आ रही ट्रेन ने टक्कर मारी, जिसने सिग्नल को ओवरशूट कर दिया, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन हादसा हुआ है, जहां पर टक्कर की वजह से कुछ बोगियां डीरेल हो गई और 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ओवरशूटिंग की वजह से यह हादसा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार शाम को यह हादसा हुआ। पूर्वीय तटीय रेलवे क्षेत्र के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी और कहा कि विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन, ये दोनों आपस में टकरा गई। घटना में 3 कोच को नुकसान हुआ है, 40 यात्री घायल हो गए हैं। आपको बता दें, 10 अक्टूबर को बिहार में ट्रेन हादसा हुआ था और ये 5 महीनों में 3 बड़े ट्रेन हादसे हैं। इससे पहले भी एक ट्रेन हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी और 10 अक्टूबर को जो ट्रेन हादसा हुआ था, इसमें भी कई यात्रियों की मौत हो गई थी। विजयनगरम जिले के कंटकपल्ली में ट्रेन दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है तमाम नेताओं ने और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि, घायलों को 2-2 लाख रुपए की
राशि देने की घोषणा कर दी है और मामूली चोट लगने वालों को 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कहा है कि अलमांदा और कंटकपल्ली में जो लोग घायल हुए उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि रेल हादसे पर उन्हें बेहद दुख हुआ है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और अलामंदा और कंटकपल्ली खंड के बीच दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन की पटरी से उतरने की घटना की जानकारी ली। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रार्थना की कि घायल जल्द से ठीक हो जाएं। ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है। रेल मंत्री से बातचीत की है। आपको बता दें 5 महीनों में ये तीसरा ट्रेन हादसा है। AC 3 टीयर की 2 बोगियां पलट गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई। 2 जून को ओडिशा में भी ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें कई लोग और अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि इस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। इस कठिन घड़ी में ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे, ये ट्वीट किया है स्पीकर ओम बिरला ने। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ। और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें विजयनगरम से जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो बोगियां हैं, 3 बोगियां डीरेल हो चुकी हैं। 40 यात्री इसमें घायल हो गए, 9 लोगों की इसमें मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। SDRF की टीमें यहाँ तैनात है। प्रशासन पूरी तरह से घायलों को और पीड़ितों को अस्पताल में पहुंचा रहा है। राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं और इस पर प्रधानमंत्री और स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आंध्र प्रदेश से जहां ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। आपको बता दें 2 ट्रेन आपस में टकरा गई। जो पीछे से ट्रेन आ रही थी उसने सिग्नल ओवरशूट कर दिया, यानी कि वो सिग्नल उसने मिस कर दिया, जिस वजह से वो पटरी पर आगे जा रही ट्रेन से टकरा गई और इस वजह से 3 बोगियां डीरेल हो गई। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रविवार शाम को ये ट्रेन हादसा हुआ। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां राहत और बचाव कार्य जारी है और PM नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मृतकों को तो आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर 2 ट्रेनों के टकराने की भयावह तस्वीर सामने आ रही है। इन ट्रेनों के टकराने से 3 बोगियां डीरेल हो गई, 9 लोगों की मौत हो गई, कई यात्री घायल हो गए और यहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। एम्बुलेंस पहुंचा दी गई है मौके पर और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि जो क्षतिग्रस्त डिब्बे हैं उसमें कोई यात्री फंसा हुआ ना हो। और इसको लेकर के रेलवे प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। 5 महीनों में तीसरा बड़ा ट्रेन हादसा है जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। इसे लेकर के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और कहा है कि रेल मंत्री से बात हो गई और मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है।